हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बेसन वाली हरी मिर्च की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। झटपट से भी बन के तैयार हो जाता है। जब भी घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ईजी है और बहुत ही टेस्टी है। रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व करिए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चॉपर ले रही हूँ। चॉपर में ऐड कर रही हूँ एक प्याज, साथ में ऐड कर रही हूँ लहसुन, अदरक, और इन सबको बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चॉप हो गया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ नॉर्मल जो डेली यूज़ में हरी मिर्च यूज़ होती है। इसे बहुत अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था। अब इसके ऊपर के डंडी को मैंने तोड़ के कट कर लिया है। और ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही कट करना है। तो ये बिल्कुल तैयार है हरी मिर्च। तो नेक्स्ट में हम ले लेंगे एक पैन। पैन में ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच तेल, और तेल जैसे ही गर्म होगा गैस के फ्लेम को लो करके अब ये हरी मिर्च को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ध्यान से, हरी मिर्च फ्राई करने में थोड़ी सी फटती है, तो आराम से हम लो फ्लेम में इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्की सी इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे मिर्च में, तब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। पंद्रह से बीस सेकेंड में ये फ्राई हो चुका है, ये देखिए बहुत अच्छे से। तो चलिए अब इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब सेम तेल में हम डालेंगे ज़ीरा, एक चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही कड़केगा साथ में ऐड कर देंगे चॉपिंग किए हुए प्याज और लहसुन अदरक, ये जो हमने चॉप करके रखा था वो डाल दें। और इन सबको हमें लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से भून लेना है। कब तक भूनना है? जब तक प्याज का अच्छे से कलर ना आ जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज ने अपने कलर को चेंज कर लिया है। तो इस टाइम पे हम ऐड कर लेंगे एक चम्मच के करीब बेसन। और बेसन डालने के बाद आप क्या करेंगे, फ्लेम को एकदम लो ही रखेंगे और इसे हमें बेसन प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो बेसन प्याज देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, और बेसन जब भुनती है तो बहुत अच्छे से खुशबू आने लगती है। तो ये एकदम अच्छे से भुना गया है, बहुत अच्छे से। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप दही, और दही में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके यूज़ किया है, वो आप ज़रूर करें। इससे क्या होगा, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। दही में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर लिया है। तो दही और बेसन को आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये बहुत अच्छे से जब भुना जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। फ्लेम को हमेशा लो रखेंगे, आप हाई पे नहीं बनाइएगा, नहीं तो बेसन जल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इन मसाले को भी हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, भून लेना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हो रहा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तो आप पानी ऐड कर लेना। और उसके बाद इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है, जब तक इसमें से एक अच्छा सा तेल ऊपर से आने ना लगे तब तक हम ये मसाले को भून लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, बहुत ही यम लगता है। कभी कभी सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है तो हमें लगता है कुछ डिफरेंट खाए, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दो टमाटर की प्योरी, वो ऐड कर लें। और इन सब को आपको बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पर कम से कम एक मिनट तक भून लेना है, जिससे मसाले में कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले जो हमारे हैं ये बहुत अच्छे से भुना जाए और एक अच्छी सी कलर आ जाए। तो बस एक मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसे ढककर भून लेंगे। एक मिनट के बाद चेक करते हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसमें। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, जो हमने फ्राई करके रखा था वो ऐड कर लें। और बस इन सबको बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी सब्ज़ी जो है वो बनके तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही झटपट से, आपने देखा बहुत ही झटपट से ये बनके तैयार हो जाती है। रोटी चावल
आपके साथ तो बहुत लाजवाब लगती है। आप कभी नहीं ट्राई किया है, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो बस देखिए, 5 से 10 मिनट में ये सब्जी बनके तैयार है। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।